फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा वी व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ DIY उपटन की। यस, आप कैसे अपने घर में इजीली उपटन बना के अपने स्किन को हाइड्रेट, ग्लॉसी, क्लासी सा लुक दे सकते हैं ना, वो मैं इस उपटन में आपको बताऊँगी। उपटन एक ऐसा चीज़ है जो हम बहुत पहले से यूज़ करें, जो हमारी दादी नानी हमारी यूज़ करती थी, तो वही चीज़ लेकर मैं आज आपके सामने शेयर करूँगी। और साथ ही साथ आपको मैं अपने स्किन पर लगा के भी दिखाऊंगी, जिसके आपको इसका लाइव रिज़ल्ट मिल सके। तो यार देखो, सबसे पहले उपटन तो क्यों लगाते हैं, हमारी टैनिंग हो जाती है, कभी कभी पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, बाहर का प्रोडक्ट यूज़ करते करते क्या हो जाता है, मेकअप यूज़ करते करते क्या हो जाता है, हमारी स्किन की मतलब बेकार हो जाती है हमारी स्किन। और स्किन केयर में ये एक एक्चुअली शामिल कर लो इसको स्किन केयर में, कि आप वीक में 1-2 टाइम्स इस उपटन को आप लगाओगे। ओके, अब यार आप लोग खुद ही बताओ, कम से कम वीक में वन डे तो ऐसा होना ही चाहिए ना, जो हम अपने बॉडी को दे सके, ठीक है, क्या नीड है हमारी बॉडी की उसको हम पूरा कर सकें। मेकअप करते करते या सन टैनिंग हो जाती है, देखिए सन टैनिंग हो जाती है, अभी मैंने एकदम क्लीन स्किन लग रही है, अभी मैंने उपटन ट्राई किया है, उसके बाद का ये स्किन है और काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी टेक्सचर, काफ़ी इसका काफ़ी सॉफ्ट है, ईजिली अप्लाई हो जाता है। तो फटाफट मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ, इसको अप्लाई करना बता दूँ। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट इसे कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए शेयर, करिए लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स करिए। और हाँ, अगर पसंद आए तो कमेंट्स करिएगा, ज़रूर से करिएगा। और तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसका दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 चम्मच गेहूं का आटा। आटे में विटामिन्स होते हैं जो डेड स्किन को रिमूव करते हैं, इसमें फाइबर भी होता है जो फेस से टॉक्सिन्स को हटाने में मदद करता है, साथ साथ पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 स्पून आटा। अब फ्रेंड्स, हमें चाहिए होगा दही। दही क्या करता है, दही हमारे फेस के काले धब्बे को से हमें फ्री करता है, प्लस चेहरे पर ग्लो लाता है, डेड स्किन रिमूव होती है, और इसके प्रोटीन फेस को कलर फेयर करता है, और साथ साथ दाग धब्बे दूर करते, टैनिंग दूर होती। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून दही। फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल होती है, और साथ ही साथ ये हमारी झुर्रियाँ भी कम करती है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। लेमन एक नेचुरल ब्लीच की तरह हमारे फेस पर काम करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा दिलाता है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 लेमन। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे गुलाबरी रोज़ वाटर। ये मेरे डाबर का है, आप कोई भी ले लीजिएगा, ये हमारे फेस को कूलिंग इफेक्ट देगा एंड साथ ही साथ हमारे फेस को रिफ्रेश भी करेगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर। अब हम इसमें कर लेंगे मिक्स, इसको आराम से मिक्स कर लीजिए। देखिए, आपको ऐसा टेक्सचर लाना है कि आपके फेस पर ईजिली अप्लाई हो सके। ये देखिए, आपको कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए अपने फेस पे एंड बॉडी पर, आपको जहाँ भी यूज़ करना है आप इसे पूरे बॉडी पर यूज़ कर सकती है। तो आपको कंसिस्टेंसी इस तरह चाहिए कि आपके पूरे बॉडी पार्ट में या फेस में आपको लगाना है तो ईजिली ये अप्लाई हो सके। तो बाकी अब मैं आपको इसे अपने फेस पर इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ एंड हैंड्स पर। तो ये मेरा उपटन बनके हो गया तैयार, और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं उपटन के फ़ायदे बताती हूँ आपको। उपटन एक नेचुरल फेस मास्क है जिसमें ढेर सारी औषधि गुण मौजूद है। अगर आप इसे डेली रूटीन में आप शामिल करती हैं तो ये स्किन को फ्रेश कर रखेगा, मॉइस्चराइजेशन देगा, और उपटन में जो गेहूँ का आटा पड़ा है ना, तो ये डेड स्किन को हटाने के लिए बेस्ट माना गया है। साथ ही साथ इसमें जो दही है वो स्किन से काले दाग धब्बे कम करने में मदद करेगा, और स्किन को शाइनी बनाएगा, ग्लोइंग बनाने में भी ये हेल्प करता है। और इसकी दूसरी चीज़ है, ये देता है बेदाग निखार। हम सभी से ज़्यादातर लोगों को स्किन की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन में दाग धब्बे होना, चेहरे पर छाई होना, एक्ने, पिंपल, या फिर मुहासों के निशान, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स,
और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उपटन क्या करता है, उपटन इन सारी प्रॉब्लम्स को ना एक सॉल्यूशन है। अगर आप उपटन को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेंगी, भले ही आप वीक में 2 टाइम्स इसे अप्लाई करिए, तो आप खुद इसका एकदम नेचुरल इफेक्ट देखेंगी, आप कितना ज़्यादा ये आपको ना फ़ायदा करेगा आपके स्किन को। और धूप में ज़्यादा देर रहने के कारण जो टैनिंग हो जाती है वो भी ये एकदम क्लीन करता है, ग्लोइंग बनाता है आपकी स्किन। और तीसरी है, बढ़ती उम्र को ये जो है कम करता है। तो हल्दी को तो वैसे ही दुनिया का सबसे पुराना और आजमाया हुआ एंटीबायोटिक माना जाता है, और साथ ही साथ चोट को भी ठीक करने में ये ज़बरदस्त रखता है अपने आप में। तो हल्दी में उपटन में इस्तेमाल होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो 15 मिनट के बाद, 15 मिनट तक मैंने इसे लगाए रखा था और 15 मिनट के बाद मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। आपको उसको पूरा नहीं सूखने देना है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट तक, क्योंकि हल्का गीला रहेगा, हल्का सूखा रहेगा, तभी वो यू नो जब आप सर्कुलर मोशन में रब करेंगे अपने स्किन को तो ये निकलेगा। अगर आप इसको पूरा सुखा देंगे ना तो यू नो पपड़ी जम जाएगी और फिर ये नहीं निकलेगा। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ 15 मिनट तक ही लगाना है। एंड सी गाइस, मेरी स्किन देखिए, अभी मैं आपको अपनी स्किन दिखाऊंगी, आपको लाइव रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ, तब आपको विश्वास आएगा कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये। और आप घर पे इजीली इसे बना सकती हैं, आपको कोई मार्केट से कुछ नहीं लाना। ये आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने स्किन को बहुत कस के रब कर रही हूँ, एक्चुअली वीडियो स्पीड में है। सी गाइस, माय स्किन एकदम मिल्क ग्लोइंग शाइनियर है हो गई है। साथ ही साथ फेशियल हेयर भी हमारी रिमूव कर देता है। उपटन में क्या होता है, बॉडी हेयर रिमूवल के बेहद सॉफ्ट एंड नेचुरल और सेफ तरीका है फेशियल हेयर रिमूव करने का। सी गाइस, अब आप मेरी स्किन देखिएगा, इतनी ज़्यादा ग्लोइंग, मैं शॉक रह गई ये वाला उपटन ट्राई करने के बाद। तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, बेस्ट लगा मुझे। तो ये आप आराम से इसको बना सकती हैं। सी गाइस, कितनी नेचुरल ग्लोइंग फ्रेश लग रही है मेरी स्किन, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लगा अपनी स्किन में, एकदम एक भी स्पॉट नहीं दिख रहे थे मेरे फेस पे, कोई एक्ने नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन स्किन लग रही थी, बहुत रिफ्रेश लग रही थी। गाइस आप लोग इसको प्लीज़ इसको लगाइएगा एंड इसके रिजल्ट्स मेरे साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। तो चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करिए। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियोज़, बाय बाय, टेक केयर।